बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से हों, खुदा हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आमीन। आज हमारे यहाँ बन रहा है बेक्ड रास्पबेरी स्वर्ल चीज केक। देखते हैं बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हमें इसके लिए स्प्रिंग फोम पेन चाहिए होगा। मेरे पास यहाँ पे 11 इंच का स्प्रिंग फोम पेन है। इसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है ताकि केक को स्लाइड करके निकालना आसान हो जाए। उसके बाद 3 स्टेप में हमारा केक बनेगा। सबसे पहले स्टेप में हमें क्रम्स चाहिए होंगे। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ग्रैहम क्रैकर के क्रम्स बना के रखे हुए हैं। 2 पैक थे, 200 ग्राम के। एक के मैंने यहाँ पे क्रम्स बना लिए, दूसरा रखा हुआ है, ये कहीं और यूज हो जाएगा। 1/2 कप मेल्टेड बटर है मेरे पास। बटर इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे, स्प्रिंग फोम पैन में डालेंगे, केक की बेस बनेगी इससे। और इसको मैंने ओवन को प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। उसमें 6 से 7 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। आप बेक नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीजर में रख दीजिएगा, 15 से 20 मिनट के लिए सेट हो जाएगी आपकी बेस केक की। दूसरे स्टेप में हमें रास्पबेरी सॉस चाहिए होगी। यहाँ पे मेरे पास फ्रोजन रास्पबेरीज हैं, ये मैंने बैकयार्ड में लगाई हुई हैं। जो बचती थी रोज खाने के बाद मैं फ्रीज करती गई हूँ। इनकी हमने सॉस बनानी है। आप इसको पका के भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। मैं आज वैसे बना रही हूँ, मुझे चूंकि बहुत ज्यादा नहीं चाहिए है तो मैं पका नहीं रही हूँ। रास्पबेरीज के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, इनको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे, हमारे पास रास्पबेरी सॉस आ जाएगी। केक के अंदर स्वर्ल्स बनाने के लिए यूज करेंगे, बाकी जो बचेगी वो हम साथ सर्व कर देंगे केक के। तीसरे स्टेप में सारी चीजें जो है वो हम मिक्स करेंगे। क्रीम चीज चाहिए होगी, क्रीम चीज अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे 1 किलो क्रीम चीज है, ये 500 ग्राम के 2 टब है मेरे पास। 4 इसमें अंडे जाएंगे, 3 एक्स्ट्रा लार्ज और 1 लार्ज जाएगा। एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज में आप देख लीजिए काफी डिफरेंस है। 1 टेबलस्पून जितना हमें वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए होगा, 1 कप सावर क्रीम और 3/4 कप जितनी हमें व्हिपिंग क्रीम या फुल क्रीम जो होती है वो चाहिए होगी। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं वो क्रम्स के अंदर बटर डाल के मिक्स करते हैं और उसके बाद इसको बेक होने के लिए ओवन में डालते हैं और फिर दूसरे स्टेप पे चलते हैं। क्रम्स के अंदर बटर जो मेल्ट करके रखा हुआ है ये डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और स्प्रिंग फोम पैन में इसकी जो है वो एक तह लगा देंगे। अगर आपको लगे कि बटर कम है तो आप इसमें थोड़ा सा बटर और मेल्ट करके डाल सकते हैं ताकि आपकी जो बेस है वो बहुत ड्राई ना हो, और जब फिर केक काटते हैं तो उसके क्रम्स जो हैं वो सारे बिखरना शुरू हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। फिर इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इस तरह से मुझे सेट करते हुए सेट कर लूँ, फिर मैं इसको ओवन में रखने लगती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। केक की बेस जो है वो सेट हो गई है, इसको अब मैं ओवन में रखने लगी हूँ 6 से 7 मिनट के लिए। बेक हो जाएगी तो इसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। रास्पबेरी की मैं सॉस बनाने लगी हूँ। रास्पबेरीज मैंने अंदर डाल दी हैं, इसके अंदर ही मैंने क्रम्स बनाए थे, इसी के अंदर अब मैं जो है वो इसकी सॉस बनाने लगी हूँ। चीनी अंदर डाल देंगे, बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे और फिर जो है वो इसको स्ट्रेन कर लेंगे। आते हैं अब इसकी बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो गई हैं, अब इनको जो है वो स्ट्रेन करेंगे। हमारे पास रास्पबेरी की सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। सॉस को मैं अब अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी, स्ट्रेन करके फिर आपको दिखाती हूँ और फिर जो है वो हम तीसरा स्टेप शुरू करते हैं। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। क्रीम चीज़ को मैंने स्टैंड मिक्सर के अंदर डाल दिया है। इसको हमने मीडियम स्पीड के ऊपर 5 से 6 मिनट के लिए बहुत अच्छे से बीट करना है।
रास्पबेरी की सॉस जो मैंने बनाई थी उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। देखें इसका कितना अच्छा कलर आया है निकल के। इसको मैं 5 से 6 मिनट बहुत अच्छे से बीट करूंगी। बीट हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चीज बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी चीनी। चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं एक एक करके अंडा जो है वो इसके अंदर डालती जाऊंगी और इसको बीट करते जाएंगे। वनीला एक्सट्रैक्ट जाएगा इसके अंदर। अब सावर क्रीम जाएगी अब इसके अंदर 1 कप। एक चीज मैं आप लोगों को बतानी भूल गई थी, इसके अंदर 4 टेबलस्पून जितना कॉर्न स्टार्च जाएगा। आपके पास कॉर्न स्टार्च है कॉर्न स्टार्च डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसकी जगह ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
उतार देंगे ताकि कॉर्न स्टार्च अच्छे से इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। सबसे एंड पे फिर इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। अब मैं इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम डालने लगी हूँ। 3/4 कप इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम का जाएगा। साइडिंग अच्छे से स्क्रैच करके अंदर करेंगे ताकि कोई भी इसके अंदर लंप रह गया हो तो वो अच्छे से रिजॉल्व हो जाए। इसको मैं 2 से 3 मिनट मज़ीद मिक्स करूंगी ताकि व्हिपिंग क्रीम जो है वो अच्छे से इसके अंदर व्हिप हो जाए। उसके बाद मैं निकालूंगी और सांचे में डालती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब जो है इनको हमने इसकी जो बेस है केक की उसके ऊपर डालना है और उसके बाद इसके ऊपर स्वर्ल्स बनाते हैं। मैं डाल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी बहुत अच्छे से। मैंने जितना भी हमारा बैटर था इसके अंदर डाल दिया है। स्प्रिंग फोम पैन के अंदर इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि एयर जो है वो अंदर से निकल जाए। इसकी साइडों पे मैंने फॉइल लगा दी है। अब जो है वो इसके अंदर हमने स्वर्ल्स बनाने के लिए सॉस डालनी है। बाकी की जो बची हुई सॉस है ये हम केक के साथ सर्व कर देंगे। जैसे आप बनाना चाहते हैं स्वर्ल्स वैसे बना लीजिए। इसको अब मैंने ओवन को प्रीहीट किया हुआ है उसके अंदर रखूंगी। मैंने ट्रे के अंदर 1 इंच तक पानी डाल के रखा हुआ है। पानी जो है वो उबलना नहीं चाहिए, सिर्फ गरम हमने अंदर डालना है। उसके बाद ये वाला जो सांचा है केक बनाने वाला उसके अंदर हम रखेंगे। तो केक तो अंदर से बहुत सॉफ्ट बनता है और इसके ऊपर क्रैक भी नहीं आते हैं। इसको अब मैं रखती हूँ, रख लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। केक बेक होने के लिए ओवन के अंदर चला गया है। इसको हमने 40 से 50 मिनट के लिए बेक करना है। हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
रास्पबेरी स्वर्ल चीज केक रेडी हो गया है। ओवन मैंने अब कर दिया है बंद, इसको मैं थोड़ी देर रखूंगी 15 से 20 मिनट मजीद ओवन के अंदर और उसके बाद निकाल लूंगी। ठंडा होगा तो फिर हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। बेक्ड रास्पबेरी स्वर्ल चीज केक रेडी है। इसके अंदर आपको क्रैक नजर आ रहा होगा, उसकी रीजन ये बनी है कि मुझे ओवन को यूज करना था तो मैंने इसको जो ही बेक हुआ है निकाल दिया था। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप जब बेक करें चीज केक को तो उसको ओवन के अंदर ही छोड़ दीजिए, पक जाता है केक, ओवन बंद कर दीजिए, ओवन भी ठंडा हो जाएगा और केक भी ठंडा हो जाएगा, उसके अंदर ये क्रैक नहीं आएगा। 99% ये मेरा आजमाया हुआ है कि जब भी मैंने केक बेक किया है इसको ओवन के अंदर ठंडा करके निकाला है तो ऊपर कोई क्रैक नहीं आया। अभी ये मुझे जल्दी थी तो इसके अंदर क्रैक आ गया है। चीज केक रेडी है। इसके साथ जो मैंने सॉस बनाई थी जो बची है वो साथ सर्व कर दूंगी। बेक्ड स्वर्ल रास्पबेरी चीज केक रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।